माजी माजी, कैसे मैं भी डांस में बैठी हूँ तो हमारे सुनाई नहीं आएगी। बता कहाँ है? माजी, मैं तो आपके लिए बर्फी लाई थी, लीजिए। लाज खा मायू, कैसी बर्फी है? ये है माजी पान बर्फी, आप इसे खा के बताइए कैसी है। अब बोलो भी कुछ। ये तो बहुत सारा, कहाँ से लाई है यार? लाई नहीं हूँ माजी, मैंने खुद से बनाई है। एजाज रूटी कहीं की बाजार से लाई है तू यार? मैं बाजार से नहीं लाई माजी इसको, ये मैंने खुद से बनाई है। ये है चॉकलेट पान बर्फी। चॉकलेट पान बर्फी? हाँ जी। ऐसा काका यूज हो रहा है यहाँ पर? ये इतनी ठंडी स्वाद है। माजी ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत देर से बना रही थी मैं इसे, पता है आपको? लग भी ना रहा है तूने बनाया। अच्छा चल मेरे सामने मुझे बना। अरे अरे, पर मैंने अभी तो ये बनाई है। ना ना दोबारा चल। अच्छा चलो चलो ठीक है, बना के दिखा। अरे अरे आराम से माँ जी, आराम से चलिए। तो चलिए गाइस, आज हम बनाएंगे व्हाइट पान चॉकलेट। तो देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। हमने यहाँ पे 500 ग्राम व्हाइट कंपाउंड लिया है, ये मीठी सौंफ, कलरफुल सौंफ भी कहते हैं। ये पान मुखवास है, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और ये टूटी फ्रूटी, ये भी आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हमें एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लेना है, या आप कोई भी स्टील का बाउल ले सकते हैं। हम एक पतीले में पानी गर्म करेंगे, और ये जो बाउल हो ये इससे थोड़ा बड़ा साइज का हो, जिससे ये इसके ऊपर रख जाए। हम इस डबल बॉयलर तरीके से इसको पहले व्हाइट कंपाउंड को इसमें पूरा मेल्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमने इस चॉकलेट को कितने अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, जैसे ये छोटे छोटे चॉकलेट के लम्स है, इससे फिर चॉकलेट अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने ये अलग प्लेट में पान मुखवास, टूटी फ्रूटी और ये मीठी सौंफ अलग से निकाल लिया है। ये अपना बिल्कुल अकॉर्डिंगली डालें, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम पसंद है। अब हम इसे स्पून की मदद से अपनी व्हाइट चॉकलेट में डाल देंगे। ध्यान रखिए कि आपकी व्हाइट चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बिल्कुल गर्म हो तो इसमें बिल्कुल मत डालिएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिल चुकी है। अब जैसे कि हमारी चॉकलेट तैयार हो गई है, तो उसको जमाने के लिए मैंने यहाँ एक आइस क्यूब मोल्ड लिया है। आपके पास अगर चॉकलेट मोल्ड हो तो आप चॉकलेट मोल्ड भी ले सकते हैं, पर वो फिलहाल मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने एक आइस क्यूब मोल्ड लिया है। वैसे इसमें भी चॉकलेट बहुत अच्छी जमेंगी। अब जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है, आप उसे इस मोल्ड में पोर कर लीजिए। ये हमने अपनी पूरी मेल्टेड चॉकलेट इस मोल्ड में फिल कर दी है। अब हम इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए गाइस, ये हमने अपनी चॉकलेट पान बर्फी को निकाल लिया है, और ये बिल्कुल पान बर्फी बनके रेडी है। और आप लोगों को भी अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप भी इसको ट्राई जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी पान बर्फी कैसी बनी। और अब मैं माजी को भी दिखा देती हूँ, माजी तो देख ही रही है। खैर माजी,
अब तो आप मान गई ना कि ये पान बर्फी मैंने ही बनाई थी। हाँ बेटा तुमने मान गई, बट ऐसी तो मैंने कप कप की बना के छोड़ दी। चल छोड़, तुम बस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ नमस्ते। नमस्ते।